शांति। आज की तारीख है 21/4/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे शिव बाबा। हाँ, भक्ति मार्ग में तो हम बच्चों ने भगवान को, प्रभु को, ईश्वर को याद किया और ईश्वर से हम बातें भी मन की करते रहे, दिल की बातें बताते रहे, परंतु अभी शिव बाबा जबकि सृष्टि पर आए हैं तब भी हम बच्चों से रूरिहान करते हैं। तो आज भी मीठे मीठे बाप दादा हमें यही बात बता रहे हैं कि मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है आज का, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी कराते, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, बाबा कहते हैं कि मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले, और तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, हम अमर बन जाएं। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां नहीं होती है। हाँ, वहां पर बाबा कहते हैं वहां कोई कंपनियां नहीं होती, क्योंकि वहां कोई अकाल मृत्यु मरता ही नहीं, तो इसीलिए वहां इंश्योर करने की बात नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो फिर तुम कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। गीत बजा है ये, कौन आज आया सवेरे सवेरे। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर एक है, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं और अपने भाई आत्मा को ही बाप का संदेश देता हूं, ऐसा आत्मा अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। जब भी किसको देखें तो अंदर में ये सोचना पड़े कि मैं आत्मा अपने भाई आत्मा को देख रहा हूं। ऐसे ही सुने तो ऐसा ही सुने कि मुझ आत्मा को आत्मा सुना रही है। नंबर दो है, रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत बिल्कुल नहीं डालनी। बाबा कहते हैं देवी देवताओं को पवित्र भोजन लगाया जाता है, तो तुम बच्चों को भी पवित्र भोजन ही करना है। वरदान है आज का, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। हाँ, जो बाबा की याद में रहेंगे तो उल्लास और उमंग भी बना रहेगा, तो स्थिति भी एक रस और अचल और अडोल रहेगी। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। हाँ, यदि लिस्ट ना बनाई हो तो लिस्ट बनाएं और अपने पास रखें और वो लिस्ट फिर रोज पढ़ें। जब प्राप्ति अटल और अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल होता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न, बाबा कहते हैं, खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा और स्थिति भी एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में
सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।